हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज़ IISc बैंगलोर की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस PhD के लिए, एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। सो, IISc आपको पता ही होगा, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, एंड IIT से भी अच्छी रैंकिंग जिसकी हो उस इंस्टीट्यूट के रिसर्च फैसिलिटीज़ को आप आई थिंक गेस कर सकते हैं कितनी अच्छी होंगी। सो, अगर आप साइंसेज में हैं इस फील्ड में या जो भी यहाँ पे एरियाज अवेलेबल हैं उनमें से किसी में रिसर्च करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस ऑप्शन को और यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करना चाहिए, राइट? सो, एनीवे, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन्स को देखने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है IISc.ac.in, जिसका लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो, आप चेक कर सकते हैं। सो, अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है इस वेबसाइट को, इस इंस्टीट्यूट को, तो आप इसको देख लीजिएगा। इनके वेबसाइट पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देन आपको ये मेन्यू टैब दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है ऑब्वियसली, एंड देन एडमिशन्स का ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप विजिट कर पाएंगे एडमिशन्स के वेब पेज पे, ठीक है? इसका भी लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो, अनाउंसमेंट्स में आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिस फॉर PhD प्रोग्राम फॉर अकेडमिक ईयर 24-25। तो इसी को हमें सबसे पहले देखना है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। सो, ये है नोटिफिकेशन, मिड ईयर एडमिशन नोटिस फॉर PhD प्रोग्राम्स फॉर सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम January 2025। दो मोड्स हैं, राइट? फर्स्ट इज रिसर्च प्रोग्राम, सेकंड इज एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। बेसिकली एक है रेगुलर कैटेगरी एंड सेकंड इज ERP, ओके? सो, यहाँ पे आप सबसे पहले तो देख सकते हैं सेपरेट लिंक्स के लिए बताया गया है कैसे विजिट कर सकते हैं। सो, IISc के बाद एडमिशन्स, उसके बाद डिग्री प्रोग्राम्स में जाकर के आप बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इंक्लूडिंग दोज इन द फाइनल सेम और ईयर। सो, अगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है फाइनल वाइवा और डिजर्टेशन समथिंग, बट 1st of January 2025 तक आप कंप्लीट कर लें तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो, अपियरिंग कैंडिडेट्स, येस, यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अप्लाई, ओके? सो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च प्रोग्राम्स, तो डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। साइंस फैकल्टी में इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज़ देयर, देन मटीरियल्स रिसर्च, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंसेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स, ओके? ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट इंजीनियरिंग फैकल्टी, सो इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज़ देयर, देन केमिकल, सिविल, सिविल में भी स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स इंजीनियरिंग, मटीरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, देन नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग एंड कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज। ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं या डिसिप्लिनस हैं। नेक्स्ट, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज भी हैं, जैसे इनर्जी, जो कि ऑफर किया जाता है बाय द इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च। देन नेक्स्ट इज साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ऑफर्ड बाय रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम्स, एंड देन ब्रेन है कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस, राइट? ये इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज हैं। सो, इनमें से किसी एरिया में आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी है, उसके बाद सो, मिनिमम सेकेंड क्लास या इक्विवेलेंट है डिग्री में तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है? अब डिग्रीज़ कौन कौन सी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये भी लिखा है मोड ऑफ एंट्री क्या है। सो, अगर बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में या 4 ईयर BS है, सो, BS, BE, BTech इनमें से कोई डिग्री है तो साथ में वैलिड गेट स्कोर या नेट GRF होना चाहिए, ओके? तो आपके लिए, क्योंकि BS है तो GRF इफ़ एप्लीकेबल, अदरवाइज वैलिड गेट स्कोर रिक्वायरमेंट है, नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट इज़ अगर मास्टर्स डिग्री साइंस में है, सो, MSc है, MA है, MA में आपकी इकोनॉमिक्स में डिग्री है और जियोग्राफी और साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, देन कॉमर्स, MCOM, तो इनमें से कोई डिग्री है, अगेन आपके लिए नेट GRF या वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। थर्ड इज़ आपके पास अगर ME/MTech डिग्री है तो मास्टर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी या वेटनरी साइंसेस, तो इसके लिए डिज़ायरेबल है, ऑब्वियसली स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हो सकता है गेट का हो जाए, बट क्या ऐसा है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते? तो नो, इट इज़ डिज़ायरेबल बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। सो, आपके पास अगर MTech, ME की डिग्री है, MR की डिग्री है, तो उस केस में बिना गेट या GRF के भी यू कैन अप्लाई, राइट? नेक्स्ट,
ग्रेजुएट्स ऑफ एनी कोर्स जिसका ड्यूरेशन 4 ईयर्स का रहा हो, वो आपने अगर वो कोर्स किसी CFTI से किया है इंक्लूडिंग द IIITs जो कि PPP मोड में है, सो उस केस में अगर CGPA 8 है तो समझ गए ग्रेजुएट्स हैं, 4 ईयर की डिग्री है, CFTI से हैं एंड CGPA 8 है तो अगेन मैंडेटरी नहीं है गेट या GRF, आप भी विदाउट गेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन की बाद में होगी, फिलहाल यू कैन अप्लाई। फिफ्थ इज MBBS, MD, MDS या फार्मडी, ये डिग्रीज हैं आपके पास तो अगेन इट इज़ डिज़ायरेबल बट नॉट मैंडेटरी, ओके। सो बी फार्मा अगेन, अगर बी फार्मा किया है आपने तो वैलिड GPAT स्कोर या नेट GRF मैंडेटरी है। नेक्स्ट BE BTech के इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है प्रोफेशनल सोसाइटीज़ का, जिसे MOE, UPSC, AICTE की तरफ से रिकग्नाइज किया जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बट वैलिड गेट या GRF होना चाहिए। लास्ट इज मास्टर्स डिग्री, अगर आपके पास लाइफ साइंसेज या केमिकल साइंसेज में है IISc से एंड CGPA 8.5 है तो उस केस में ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अप्लाई एंड जो मैंडेटरी है गेट या नेट GRF ये भी लिखा हुआ है, और कोई भी कट ऑफ नहीं होगा बट एटलीस्ट गेट या GRF होना चाहिए। तो समझ गए आप, इसी तरह से आपने IITs में भी देखा है, आई नो बहुत बार कन्फ्यूजन्स होती है और ज़्यादातर कैंडिडेट्स को लगता है गेट के बिना दे कांट अप्लाई। सो द थिंग इज़ ना कि कई बार जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, शॉर्टलिस्ट करने का जो क्राइटेरिया है, वो ही गेट स्कोर के बेसिस पे हो जाता है। अब डिपेंड करता है एप्लीकेंट्स के नंबर कितने हैं। अदर दैन दैट, अगर MTech ME डिग्री है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा अगर वीडियोस में, तो बिना गेट के भी वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर MSc, MA, MCOM की डिग्रीज हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नेट या गेट रिक्वायर्ड होता है। तो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। नोट्स में कुछ पॉइंट्स हैं, तो नेट GRF में देखिए कौन कौन से डिग्रीज हैं, कौन से एग्ज़ाम्स को हैं इंक्लूडेड वो लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। GPAT या जो भी आपकी डिग्री है वो एटलीस्ट वैलिड होनी चाहिए जो भी आपका टेस्ट है एंट्रेंस टेस्ट, तो वो 1 जनवरी तक वैलिड होता है। दैट इज़ देखिए गेट 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो ऐसा ना हो कि वैलिडिटी ओवर हो गई हो, राइट। सो यस, बाकी अगर इंस्पायर मोड से अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोविजनल इंस्पायर लेटर होना चाहिए एंड बाकी सेकंड लेवल के बाद डिसाइड होगा कि ये एडमिशन होगा या नहीं। इसी तरह JEE बिल्स के लिए भी मेंशन है। नोट में पॉइंट है, कैंडिडेट्स जिन्हें कॉल किया गया था इंटरव्यू में जो कि May 24 में हुआ था, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो भी फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सिलेक्शन प्रोसीजर, सो देखिए आपका जो भी परफॉर्मेंस वगैरह है, जैसा मैंने कहा जो भी नेट गेट का या आपकी डिग्री का परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, राइट। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आप इंटरव्यू देंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स में प्रिलिमिनरी इंटरव्यू या फर्स्ट सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज ऐसे भी हो सकता है, कुछ में एप्टीट्यूड टेस्ट एंड देन फाइनल इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ये आपको वेबसाइट से बाद में मिल जाएगी। नाउ ERP, सो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी अगेन 2 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आई कैन से। फर्स्ट इज़ वो प्रोफेशनल्स जो किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, सेकंड है जो फैकल्टी मेंबर्स जो कि किसी भी इनमें से किसी भी फील्ड के यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ठीक है, एंड ऑब्वियसली वो रिकग्नाइज की गई हो। सो आप भी चाहें तो PhD कर सकते हैं थ्रू ERP। क्राइटेरिया क्या है, सो जो रेगुलर के थे वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, बट यस ये जो जो एग्ज़ाम्स थे ना जैसे नेट GRF गेट ये सब, तो ये डिज़ायरेबल तो है बट मैंडेटरी नहीं होगा इस केस में। फर्दर आपने जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो डिग्री के बाद 2 ईयर्स कम्प्लीट किया हो एंड ऑब्वियसली आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर भी करे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, अगर ये सारे कंडीशंस को आप फुलफ़िल करते तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे जो फॉर्म्स हैं ना ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड हैं कि नहीं आप, वो सब आपको 30 अक्टूबर तक सबमिट भी करना होगा, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया के लिए आप इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर अगेन इंटरव्यू के थ्रू ही होता है। अप्लाई कैसे करना है, सो एडमिशंस पे तो हमने विजिट किया ही था, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके कर सकते हैं, अभी हम उस पे भी विजिट करेंगे। सो एनीवे, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, सो एप्लीकेशंस जो है वो स्टार्ट होंगी 1 अक्टूबर से, हाँ जी 1 अक्टूबर, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं एप्लीकेशंस, एंड जो लास्ट डेट होगी वो होगी 24th of October, राइट। देन अगेन हार्ड कॉपीज़ आपको ERP के लिए जो भेजनी है उसकी लास्ट डेट 30 होगी, अदरवाइज रेगुलर के लिए नहीं भेजनी है, ठीक है। इंटरव्यू 18th of November से 20 November के बीच में होगा एंड सेशन 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फी इज़ ₹800 फॉर जनरल OBC WS कैटेगरी कैंडिडेट्स, 400 है फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड ERP के लिए 2000 है, सब कैटेगरी के लिए सेम, राइट।
बाकी जो भी अपडेट्स हैं उनके लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ नोट में कुछ पॉइंट्स हैं इन्हें भी देख सकते हैं। सो यस, बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन से एक्सप्लोर करनी हो देख लीजिएगा। क्राइटेरिया बता दिया, फेलोशिप मिलेगी ऑब्वियसली, इसीलिए ज़्यादातर केसेस में वैसे JRF मैंडेटरी भी है। एंड एनीवे यहाँ पे मेन्यू टैब पे हमने मतलब पहले देखा था, ठीक है, तो ये बाकी भी आप इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन वैसे यहाँ भी है, आप इसके थ्रू भी एडमिशन्स पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप PhD पर चले जाएगा, आई मीन उस ऑप्शन को। सो ये है अभी के लिए क्लोज लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी एक्टिव नहीं है फॉर्म। जब एक्टिव होगा तो आप इस पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करके अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एंड आई थिंक यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अभी टाइम है तो आपको कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आप। बाकी यस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।